हेलो स्टूडेंट, आज से जो वीडियो आपके सामने आ रही है वो 10th क्लास की रियाप करने की वीडियो है। मतलब 10th क्लास के अंदर जो भी व्याकरण है वो एक एक करके उसकी वीडियो बनाकर आप सबके सामने जो है लाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा जो है करीब पूरे साल मैथ्स, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश इन सब में ही लगा रहता है और हिंदी के अंदर सबसे कम समय देता है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम हिंदी के अंदर 10th क्लास के अंदर, मतलब जो 10th क्लास के अंदर जितनी भी व्याकरण है उनकी एक एक करके वीडियो आपके लिए बनाई जाए, ताकि बच्चा जो है कम समय लगाकर भी अपने हिंदी की व्याकरण को पूरी तरह जो है सीख ले और 10th क्लास के अंदर हिंदी में अच्छे से अच्छे अंक लेके आए। तो इसलिए ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज जो हिंदी की जो व्याकरण का जो पहला हिस्सा है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमारा वाच्य है। वाच्य मतलब इंग्लिश के अंदर वॉइस। जैसे जब बच्चा इंग्लिश सीखता है तो वो पैसिव वॉइस करता है, वैसे ही वॉइस को या वॉइस को हिंदी के अंदर वाच्य कहा जाता है। इंग्लिश के अंदर जब वॉइस करते हैं, सबको ये बताया जाता है कि इंग्लिश के अंदर सिर्फ दो ही वॉइस होते हैं, एक एक्टिव और एक पैसिव। लेकिन हिंदी के अंदर जो वाच्य जो है वो तीन तरह के, जिसके अंदर पहला कृतवाच्य, पहला कृतवाच्य, दूसरा क्रमवाच्य और जो तीसरा जो है वो है भाववाच्य। तो वाच्य हिंदी में तीन तरह के हैं, कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य। अब हम इनकी पहचान कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जो हमारा कृतवाच्य जो है इसके अंदर सारे काम कर्ता के द्वारा होते हैं, मतलब कर्ता काम करता है। इसके अंदर जो मेन जो है वो कर्ता है। इसमें सब कुछ क्रम के द्वारा किया जाता है, मतलब इसके अंदर कर्ता मेन है, इसमें क्रम मेन है और इसके अंदर भाव, मतलब इसके अंदर जो हम वाक्य बनाएंगे इसमें से यूज होगा, याद रखना है से। इसके अंदर द्वारा इसके अंदर ना तो से लगेगा ना द्वारा, इसमें सारे काम जो है हमारा जो है सब्जेक्ट करेगा, मतलब इसके अंदर मेन जो है वो सब्जेक्ट होगा, मतलब करता होगा करता। इसमें सारे काम कर्ता के द्वारा किए जाएंगे, इसके अंदर क्रम के द्वारा, लेकिन इसकी पहचान यह है कि इसके वाक्यों में द्वारा लगेगा और इसके वाक्यों के अंदर भाव, मतलब से। लेकिन जब भी हम कर्ता को क्रम में या क्रम से भाववाच्य में चेंज करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी है,
कि जो वाक्य जो है उस वाक्य का जो काल है, मतलब टेंस है, टेंस वो परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब जो हमारा नॉर्मल वाक्य जो है, अगर हम उसको किसी भी कर्ता के अंदर या कर्म वाच्य के अंदर या भाव वाच्य में चेंज करेंगे तो उसका जो टेंस जो है, उसका जो काल है वो चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, मैं हिंदी पढ़ाता हूं, यह हमारा, इसमें जो मेन काम हो रहा है वो मैं के द्वारा हो रहा है, इसका मतलब ये हमारा कृतवाच्य है। ये हमारा कृतवाच्य है। अब मैं इसको मेरे द्वारा हिंदी पढ़ाई जाती है, यह हमारा क्रम वाच्य है। मुझसे हिंदी पढ़ाई जाती है, ये हमारा भाववाच्य। अगर सारे काम कर्ता के द्वारा किए जाएंगे, मतलब कर्ता करेगा, तो वो कृतवाच्य। अगर सारे काम क्रम के द्वारा किए जाएंगे तो वो क्रमवाच्य। और पहचान ये है कि इसमें द्वारा यूज होगा, और जिसमें सेव यूज होगा वो हमारा भाववाच्य। तो इसका मतलब हिंदी के अंदर तीन वाच्य, कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य में सारे काम, मतलब जो सबसे मेन जो है वो सब्जेक्ट है, मतलब करता है। क्रमवाच्य में जो सबसे मेन जो है वो क्रम है, मतलब ऑब्जेक्ट है, और जिसको हम बनाएंगे वो द्वारा से लगेगा, और भाववाच्य में सही से लगेगा। मगर मैंने अभी बताया था कि सेंटेंस जो हिंदी का जो वाक्य जो है उसका जो टेंस है, उसका जो काल जो है वो परिवर्तित नहीं होना चाहिए, मतलब चेंज नहीं होना चाहिए। मैं हिंदी पढ़ाता हूं, मेरे द्वारा हिंदी पढ़ाई जाती है, मुझसे हिंदी पढ़ाई जाती है, तो इसके अंदर हमारा जो काल जो है वो चेंज नहीं हुआ है। अगर किसी किसी बच्चे ने द्वारा लगाया या से लगाया लेकिन काल चेंज हो गया तो वो गलत माना जाएगा। इसीलिए चेंज करते वक्त इस चीज का ध्यान रखना है। जैसे एक सेंटेंस और देखो, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षियों के द्वारा आकाश में उड़ा जाता है, पक्षियों से आकाश में उड़ा जाता है,
ये जो हमारा है ये हमारा कृतवाच्य, ये हमारा क्रमवाच्य, ये हमारा भाववाच्य। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। क्या बताया जा रहा है कि भाई जिसके अंदर कर्ता मेन होगा वो कृतवाच्य, जिसके अंदर क्रम मेन होगा वो क्रमवाच्य, जिसमें भाव मेन होगा वो भाववाच्य, और अगर फिर भी क्लियर नहीं है तो जिसके अंदर द्वारा, जिन वाक्यों के अंदर द्वारा लगा होगा वो हमारा क्रमवाच्य है, जिसमें से लगा हुआ होगा वो हमारा भाववाच्य, और जिनमें कुछ भी नहीं लगा हुआ होगा वो हमारा जो है कृतवाच्य है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि पेपर में क्वेश्चंस कैसे आएंगे। नॉर्मल अगर हम इस टर्म की बात करते हैं, टर्म फर्स्ट की बात करते हैं, तो टर्म फर्स्ट के अंदर कोई भी क्वेश्चन बगैर एमसीक्यू के नहीं आएगा, मतलब सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो एमसीक्यू बेस्ड आएंगे। तो इसलिए जो हमारा ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो भी हमारे जो है एमसीक्यू बेस्ड आएंगे, मतलब एमसीक्यू पर आधारित क्वेश्चन होंगे। तो इसलिए कोई सा भी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन सिर्फ ये पूछेगा, या तो प्रकार पूछेगा कि कौन सा प्रकार है, या ये पूछेगा एक दूसरे से दूसरे में चेंज करने के लिए। एक से दूसरे में चेंज करेंगे, अगर हम कर्ता से क्रमवाच्य में जाएंगे तो द्वारा लगा देंगे, अगर क्रमवाच्य से भाववाच्य में जाएंगे तो से लगा देंगे, अगर भाववाच्य से कर्ता कारक में जाएंगे मतलब कृतवाच्य में जाएंगे तो से हटा देंगे। तो हमारे पास पहचानना भी आना चाहिए और एक दूसरे से चेंज करना भी आना चाहिए। तो अब कुछ क्वेश्चन इसमें जो एमसीक्यू बन सकते हैं, मतलब जो हमारे जो वाच्य के अंदर कैसे एमसीक्यू बनेंगे उनकी बात करते हैं। वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो पूरी जरूर देखें। अब जो है एमसीक्यू है होंगे जो पेपर में आएंगे। अब बताया बार बार आपको कि पेपर में बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ना है, इनमें से कौन कौन से वाच्य के भेद हैं, कौन कौन से वाच्य के भेद हैं। आपको अभी बताया कि वाच्य के तीन भेद हैं, कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य, और उसके हिसाब से हमारा जो ये फर्स्ट है ये आंसर है हमारा। उसके बाद अगर हम दूसरे की बात करें कि वाच्य के कितने भेद हैं, अभी बताया इससे पहले कि वाच्य के तीन भेद हैं, तो वाच्य का एक नहीं है, वाच्य के दो नहीं है, वाच्य के चार भेद नहीं है, बल्कि वाच्य के तीन भेद हैं। अब रोहन ने दिनेश को डंडे से मारा, रोहन ने दिनेश को डंडे से मारा, वाक्य में कौन सा वाच्य होगा। यहां पर मेन जो है रोहन ने, मतलब मेन जो है वो सब्जेक्ट है, मतलब कर्ता है, इसलिए कृतवाच्य होगा। अगर ये सेंटेंस ऐसा होता रोहन के द्वारा तो ये क्रमवाच्य होता, अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता रोहन से तो फिर जो है हमारा भाववाच्य होता, तो रोहन ने मतलब कृतवाच्य। राकेश द्वारा, आपको बताया द्वारा लगा हुआ है, इसका मतलब क्रमवाच्य हो गया। तो जिसके अंदर सारा काम जो है कर्ता की वजह से होगा, कर्ता से होगा, वो हमारा कृतवाच्य, जिसमें सारा काम क्रम से होगा वो क्रमवाच्य, और जिसमें सारा का सारा काम भाव से होगा मतलब जिसमें से लगा हुआ होगा वो हमारा भाववाच्य है। फिर बोला जा रहा है कि पेपर के अंदर या तो सेंटेंस को चेंज करना आएगा
या सेंटेंस चेंज करावा होगा, हमें सिर्फ उसका प्रकार पूछेगा। और कितने प्रकार बताए गए हैं? सिर्फ तीन प्रकार, कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य। मैं हिंदी पढ़ाता हूं, मेरे द्वारा हिंदी पढ़ाई जाती है, मुझसे हिंदी पढ़ाई जाती है। राधा कपड़े धो रही है, राधा के द्वारा कपड़े धोए जा रहे हैं, राधा से कपड़े धोए जा रहे हैं। मैं चल नहीं सकता हूं, मेरे द्वारा चला नहीं जा सकता है, मुझसे चला नहीं जा सकता है। राधा खाना पका रही है, राधा के द्वारा खाना पकाया जा रहा है, राधा से खाना पकाया जा रहा है। मोहन स्कूल जाएगा, मोहन के द्वारा स्कूल जाया जाएगा, मोहन से स्कूल जाया जाएगा। बार बार ये कहा जा रहा है कि जब भी हम एक वाच्य को दूसरे वाच्य में चेंज करेंगे तो उसमें जो टेंस जो होगा, जो उसमें काल होगा, वाक्य का जो काल होगा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे ने वाच्य को चेंज करते वक्त वाच्य तो चेंज कर दिया, लेकिन उसका जो है काल भी चेंज कर दिया, उसका टेंस भी चेंज कर दिया, तो उसको गलत माना जाएगा। आगे के और एमसीक्यू देखें। जो अगला एमसीक्यू जो है, रमा से या रमा सो नहीं सकती, रमा सो नहीं सकती, इसको भाववाच्य में चेंज करना है। तो अपना पहला खुद बना लो, रमा सो नहीं सकती, मतलब रमा से सोया नहीं जा सकता। भाववाच्य में से, रमा से सोया नहीं जा सकता, रमा से सोया नहीं जा सकता, ये रहा हमारा सेकंड ऑप्शन। उसके बाद उससे खाना नहीं खाया जाता, वाच्य भेद बताइए। उससे से लगा हुआ है, मतलब भाववाच्य, ये रहा हमारा भाववाच्य। अगर द्वारा लगा हुआ होगा तो क्रमवाच्य, से लगा हुआ होगा भाववाच्य, और अगर ने लगा हुआ होगा या कर्ता के द्वारा काम किया जा रहा होगा तो वो हमारा कृतवाच्य होगा। उससे खाना नहीं खाया जाता, प्रेमचंद के द्वारा गबन लिखा गया, वाक्य को कृतवाच्य में बदलना है। तो ये द्वारा हटा दो, क्या सेंटेंस बनेगा? प्रेमचंद ने गबन लिखा। देखो कहीं ना कहीं ऐसा ऑप्शन होगा, प्रेमचंद ने गबन लिखा। आगे हमारे पास है वाला ऑप्शन, वह नृत्य देख रहा है, वह नृत्य देख रहा है। प्रयोग के आधार पर भेद बताए, ना तो इसमें से है ना इसमें द्वारा है, तो नॉर्मल वाला सेंटेंस मतलब हमारा जो है कृतवाच्य, ये रहा हमारा कृतवाच्य। एक बार और बताया जा रहा है कि भाई कि हिंदी में जो वाच्य जो है वो तीन प्रकार के हैं, कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य। काम अगर कर्ता से होगा, ने से होगा कृतवाच्य, द्वारा होगा क्रमवाच्य, भाव मतलब से लगा हुआ होगा तो भाववाच्य। पेपर में सिर्फ दो ही तरह के क्वेश्चन, या तो बदलने के लिए आएगा या प्रकार पूछेगा, चाहे बदलने के लिए आएगा चाहे प्रकार पूछेगा, उसका हमें आंसर एमसीक्यू की फॉर्म में दिया हुआ होगा। तो इसलिए अपना नॉर्मल जो भी पूछा है उसे मन ही मन में बना लो, और उसके बाद जो हमें ऑप्शन दे रखा है उसे और कंप्लीट कर लो। तो इसमें मैंने आपको 8 एग्जाम्पल बता दिए हैं, अभी एक आध एग्जाम्पल और बताते हैं, फिर नया वीडियो मतलब एक और नई चीज करेंगे, लेकिन वीडियो खत्म नहीं करेंगे। अगला जो 9th वाला क्वेश्चन जो है उसमें लिखा है, राहुल ने कपड़े बांटे, इस वाक्य को क्रमवाच्य में चेंज करना, और बताया क्रमवाच्य में द्वारा लगता है। तो हमें ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं, बस सिंपल सा इसको बनाना है।
राहुल ने कपड़े बांटे, तो इसका मतलब इसका अगर हम क्रमवाच्य बनाएंगे तो ये बनेगा राहुल के द्वारा कपड़े बंटवाए गए, राहुल के द्वारा कपड़े बंटवाए गए। अब देख लो, राहुल के द्वारा कपड़े बंटवाए गए, राहुल कपड़े बंटवाता है, राहुल द्वारा कपड़े बंटवाए गए। ये सेंटेंस थोड़ा अलग है, जरा पहले थोड़ा गड़बड़ सेंटेंस हो गया, इसे सही से करो उसको। राहुल कपड़े बंटवाता है, राहुल द्वारा कपड़े बंटवाए गए, राहुल कपड़े बांटने गया, उपयुक्त कोई नहीं। तो सबसे पहले मैंने बोला इसका सेंटेंस का आंसर खुद बना लो, राहुल ने कपड़े बांटे, तो राहुल के द्वारा कपड़े बंटवाए गए, तो ये रहा हमारे पास। उसने भोजन कर लिया है, क्रमवाच्य में चेंज करना है, इसमें भी द्वारा, अगर हम बोलते हैं उसके द्वारा भोजन कर लिया गया है, ये होगा इसका, उसके द्वारा भोजन कर लिया गया है, वो ये रहा, उसके द्वारा भोजन कर लिया गया है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, तीन तरह के वाच्य, और तीनों के तीनों आपको बता दिए हैं, एक के अंदर कर्ता मैन है इसलिए वो क्रम वाच्य है, एक में जो है क्रम है मैन तो वो क्रम वाच्य है, एक में भाव। तो याद रखने का ये कि जिसके अंदर ना तो से लगा हो ना द्वारा लगा हो वो हमारा कृतवाच्य है, जिसके अंदर द्वारा लगा होगा वो भाववाच्य है, और जिसमें से लगा हुआ होगा वो हमारा भाववाच्य। तो कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य। अभी एक और टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम जो है रचना के आधार पर वाक्य भेद, 10th क्लास का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसलिए वीडियो को देखते रहें और आगे देखें। अब जो है जो 10वीं क्लास जो है उसका हिंदी व्याकरण का जो दूसरा टॉपिक जो है वो रचना के आधार पर वाक्य भेद, मतलब कि जो वाक्य दिया हुआ है उसका भेद बताना है, लेकिन रचना के आधार पर। जब आप 9th की ग्रामर आपने पढ़ी थी, मतलब 9th की जो है व्याकरण आपने पढ़ी थी, तो उसके अंदर अर्थ के आधार पर था, अब हम रचना के आधार पर बात कर रहे हैं। पेपर के अंदर सिर्फ दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, या तो एक से दूसरे में चेंज करना आएगा या प्रकार पूछेगा। तो रचना के आधार पर जो वाक्य भेद होते हैं वो तीन हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और इसके जो डेफिनेशन जो है, जो परिभाषा जो है, अगर शुद्ध हिंदी में बोली जाए तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए जो बताया जा रहा है बस आप उतना ध्यान रखें, आपसे आराम से समझ में भी आ जाएगा और पेपर में क्वेश्चन जो है वो हो भी जाएगा। तो जब भी हम, मैंने बताया कि रचना के आधार पर जो वाक्य भेद जो है वो तीन है, पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं मिश्र वाक्य की। अगर जिस भी वाक्य के अंदर जैसे ही, जब, जो, जब तब, क्योंकि, यदि, जिसके, जैसे ही, जब, जो, जब तक, क्योंकि, यदि, जिसके, अगर ये शब्द नजर आ रहे हैं तो वो वाक्य हमारा मिश्र वाक्य होगा। अगर वाक्य के अंदर और, परंतु, इसलिए, बल्कि, किंतु, अगर इस तरह के शब्द होंगे
तो संयुक्त वाक्य। और जिनके अंदर इनमें से कुछ भी नहीं होगा वो हमारा सरल वाक्य। सरल वाक्य के अंदर कोई भी योजक शब्द नहीं होगा, संयुक्त वाक्य के अंदर ये होंगे और मिश्र वाक्य के अंदर ये होंगे। जैसे मैंने एक दुबला पतला आदमी देखा, मैंने एक दुबला पतला आदमी देखा, इसमें ना तो इसमें से कोई एक शब्द है ना इसमें से कोई एक शब्द है, इसका मतलब ये हमारा सरल वाक्य है। अब मैंने दूसरा वाक्य पढ़ा, मैंने एक दुबला और पतला आदमी देखा, तो दोनों को जोड़ा जा रहा है और मतलब संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, मैंने एक आदमी देखा जो दुबला पतला था, जो यहां गया जो मतलब मिश्र वाक्य के अंदर, मतलब पेपर के अंदर वाक्य का प्रकार भी पूछ सकता है और एक दूसरे में चेंज करने का भी पूछ सकता। शाम होते ही वह चली गई, कोई भी इनमें से शब्द नहीं है इसलिए यह सरल वाक्य है। शाम हुई और वह चली गई, और मेरा और मतलब संयुक्त वाक्य। जैसे ही शाम हुई, जैसे ही मेरा मिश्र वाक्य, जिस भी वाक्य के अंदर ये शब्द होंगे मिश्र वाक्य, ये शब्द होंगे संयुक्त वाक्य, कुछ भी नहीं होगा सरल वाक्य। पेपर में सिर्फ दो ही तरह के क्वेश्चन आएंगे, या तो प्रकार पूछेगा या एक दूसरे को चेंज करने में पूछेगा। जैसे ये तो मैंने प्रकार वाले क्वेश्चंस कर रहा है, अब पांच छह क्वेश्चन चेंज करने वाले बात करते हैं। वीडियो के साथ बने रहें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और कमेंट्स करते रहें। वीडियो अभी खत्म नहीं हुई, आगे देखें। अब जो हमारा ये सेंटेंस दे रखा है, इन सेंटेंस को जिसमें हमें चेंज करना है अब हमें उसमें बनाना है। जैसे राम ने खाना खाया और सो गया, और हमें पता है क्योंकि इसके अंदर और लग रहा है इसलिए यह हमारा संयुक्त वाक्य है। अब मगर मुझे प्रकार नहीं पूछा, बल्कि मुझे जो प्रकार जो दे रखे उसमें चेंज करना है। पहला सबसे पहले चेंज करना है सरल वाक्य में, और सरल वाक्य में मैंने कहा था कि कोई भी योजक शब्द नहीं लगता है, मतलब जो और वो है वो सब हटाना पड़ेगा, एक नॉर्मल सेंटेंस बनाना पड़ेगा। तो इसका सरल वाक्य क्या हो गया, राम खाना खाकर सो गया, यह हमारा सरल वाक्य। मिश्र वाक्य के अंदर जैसे ही राम ने खाना खाया वह सो गया, हमने देखा जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई, यह हमारा मिश्र वाक्य है। अब इस मिश्र वाक्य को सबसे पहले सरल वाक्य में चेंज करना है, मतलब जैसे ही हमें हटाना है। शाम होते ही या शाम होने पर
बिजली चली गई। संयुक्त वाक्य में शाम हुई और बिजली चली गई, तो जो फिर बोला जा रहा है कि जो रचना के आधार पर जो वाक्य भेद जो हैं वो हमारे तीन तरह के हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। पेपर में जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे वो या तो सेंटेंस हमें दिया हुआ होगा, हमें सिर्फ उसका प्रकार पूछना होगा, या फिर हमें सेंटेंस दिया हुआ होगा और बोला जाएगा कि इसको इसमें चेंज करो। तो जो आपको शब्द बताए गए हैं, जो आपको योजक शब्द बताए गए हैं, आप उसको याद रखो कि संयुक्त वाक्य में कौन से लगेंगे और मिश्र वाक्य के अंदर कौन से लगेंगे। अगर मान लो सपोज करो मुझे मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में चेंज करना है, तो जो मैंने शब्द बताए हैं वो हट जाएंगे, और अगर सरल वाक्य से अगर मुझे मिश्र वाक्य में जाना है तो जो मैंने आपको शब्द बताए हैं वो लग जाएंगे। ऐसे ही अगर संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में आना है तो मुझे जो मैंने शब्द बताए उनको मैं हटा दूंगा, और अगर सरल वाक्य से मुझे संयुक्त वाक्य में आना है तो मैं उन शब्दों को लगा दूंगा, उन योजक शब्दों को लगा दूंगा। इसी तरह अगर संयुक्त से मिश्र में जाना है या मिश्र से संयुक्त में जाना है तो जो आपको शब्द बताया गया आप उनका ध्यान रखना है। बस हमारा वीडियो बनाने का मकसद आपको हिंदी की जो व्याकरण है 10th क्लास की वो बहुत ही आसान तरीके से समझाने का एक प्रयास है, लेकिन इस प्रयास को सफल करने की जिम्मेदारी जो है आपकी है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और अगर आप हमारे चैनल पे जो नए हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा जो है उसको सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़े रहें। अगली वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।